खबर है कुचामन सिटी से, जहां पर जिला कलेक्टर के द्वारा हरा तालाब अभियान की गई पहल, जिसका शुभारंभ देवीलाल दादरवाल द्वारा किया गया, जिसमें मॉडल तालाब राम नंबर को पूर्ण विकसित करने, सदन वृक्षारोपण करने व तालाब कैचमेंट एरिया में वृक्षारोपण व जल अवरोधों को हटाकर संपूर्ण तालाब क्षेत्र उच्च श्रेणी के तालाब के रूप में विकसित करने की पहल की गई, जिसमें संपूर्ण सहयोग नागरिकों का रहा। हरा भरा तालाब अभियान में दानदाता मोहन दादरवाल ने अपने खर्चों पर संपूर्ण तालाब क्षेत्र में जेसीबी मशीन व ट्रैक्टर से साफ सफाई व अवरोधक हटाने का जिम्मा लिया। वह रामेश्वर लाल ने आधिकारिक छायादार पेड़ उपलब्ध करवाने, छोटू राम सोकल ने हरा भरा तालाब क्षेत्र में पेड़ों की सुरक्षात्मक जालियां लगाने का जिम्मा लिया, वहीं हनुमान राम ने पौधों के पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ली। नागौर जिला चयन के तहत आज ये प्रोग्राम हमने रखा है। इसमें तालाब का कैचमेंट एरिया, उसकी जल भराव क्षमता और उसकी बाढ़ क्षमता के हिसाब से पौधे लगाए जाएंगे और उसके लिए जन सहयोग जरूरी है। हर मॉडल तालाब के हिसाब से जन सहयोग के लिए आदमी श्रम के रूप में जन सहयोग कर सकता है, सामग्री के रूप में जन सहयोग कर सकता है और मशीनरी के रूप में भी जन सहयोग कर सकता है। तो इसी प्रक्रिया के तहत हर एक पंचायत में कम से कम एक और अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा को हर तालाब को मॉडल तालाब के रूप में विकसित